धीरज गाड़ी मैं चलाता हूँ, ठीक है? देखो भाई अभी तो हम गाड़ी अमित भाई के पास दे रहे हैं, अमित भाई ने बोला नीचे पहले। मैं जो तूने तो बोला गाड़ी चलानी आती तेरे को भाई, तो मैं ही चलाऊंगा, पर पहला गियर कहाँ को पड़ता है ये पता? गाड़ी चला पर ढंग से चला, पहला गियर कहाँ को पड़ता है तो ये पता गाली। गियर तेरे को पता नहीं, गाड़ी चलानी आती तेरे को। चलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जो है बहुत ज़्यादा लेट हो गई है उठने में। आज जो है मैं 8:30 बजे उठा, और कल तक मैं टाइम पे उठ जाता था। तो अभी कॉलेज जाने का समय हो चुका है। सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग्स। और कल रात को हुआ ये कि मैं एडिटिंग पे काफ़ी लेट तक बैठा हुआ था, 12-1 बजे तक, तो जिस वजह से जो है मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गई। और अभी जो है कॉलेज का बहुत सारा काम हो चुका है, वो काम भी करना है, और अभी मतलब कुछ दिनों तक तो फिलहाल पढ़ाई पे भी बैठना है। पेपर भी आने वाला है, और पेपर अभी काफ़ी सारे फॉर्म भरे हुए थे तो उनके पेपर बहुत जल्द आ जाएंगे। तो अप्रैल में है 9 तारीख को, तो अभी पेपर की भी तैयारी करनी है। बहुत सारे मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं, और वो सब कुछ देखनी है, और टाइम पे हर एक चीज़ करनी है जिसके लिए हम यहाँ आए हुए हैं। तो फिलहाल मैं कॉलेज से घर आ चुका हूँ, और पवन जो है वो अभी कॉलेज में है। तो यहाँ पे जो है जब तक मैं रूम पे आता, हिमांशु ने खाना बना दिया था, और आज खाने में एक बार फिर से चौसा और भात है, जो पहाड़ी डिश है। तो रूम पे ऐसा खाना खाने का मज़ा अलग आता है, जब आपको शहर में रह के ऐसे पहाड़ों की डिश जो है वो खाने को मिलती हैं। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और मैं रूम पे हूँ, और धीरज जो है वो रूम पे आ चुका है। तो अभी मैंने धीरज को बताया नहीं है, धीरज और मैं एक छोटी सी राइड पे जाने वाले हैं इधर आगे गंगा दर्शन की ओर। और मैं जो हूँ आज धीरज को एक बहुत तगड़ा वाला क्या बोलते हैं उसको सरप्राइज़ देने वाला हूँ, कि धीरज और मैं यहाँ से गाड़ी में चलेंगे, और मैं जो हूँ बीच रास्ते में जाके धीरज को बोलने वाला हूँ कि तेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ, और धीरज का रिएक्शन कैसा रहता है गाड़ी को चलाते हुए देखकर। क्योंकि धीरज को लगता है मुझे बाइक चलानी नहीं आती है। धीरज मेरे ब्लॉग में काफ़ी दिन बाद आ रहा है, और धीरज क्या हाल है? हाल तो ठीक नहीं थे भाई, तुम्हें पता है ना। तो धीरज का अभी कुछ टाइम पहले एक्सीडेंट हुआ था, ठीक हो रखे हैं? तो अभी धीरज ठीक हो रखा है। तो हमारा अभी तक इससे पहले प्लान था कि हम गंगा दर्शन की ओर जाएंगे, लेकिन धीरज अब बोल रहा है कि अब चलेंगे चौरास वाली साइड। तो जस्ट अभी हम लोग आए हैं श्रीनगर घाट के पुल पे, और ये वाला पुल ऐसा है, और ऐसे पुल जो देखने में लगते हैं वो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और इधर वाली साइड है घाट, तो घाट काफ़ी चमक रहा है आजकल, इस पर शायद नया कलर लगाया है। और आजकल जो है नदी का पानी पूरा सुखा दिया है, वरना यहाँ पत्थर भी नहीं दिखते थे, और आजकल देखो पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो अभी हम लोग जो है जस्ट घाट के ऊपर पे आ गए हैं, और मैंने धीरज को बोला यहाँ से गाड़ी मैं चलाऊंगा। धीरज गाड़ी मैं चलाता हूँ, ठीक है? देखो भाई अभी तो हम गाड़ी अमित भाई के पास दे रहे हैं, अमित भाई ने बोला नीचे पहले। मैं जो तूने तो बोला गाड़ी चलानी आती तेरे को भाई, तो मैं ही चलाऊंगा, पर पहला गियर कहाँ को पड़ता है? गाड़ी चला पर ढंग से चला, भाई पहला गियर कहाँ को पड़ता है तो ये पता गाली। गियर तेरे को पता नहीं गाड़ी चलानी आती तेरे को? चलो चलाए फिर ले। तो इसने हेलमेट वगैरह मेरे पास दे दिया है, और अब मैं हेलमेट भी नहीं पहन रही है, जबकि देख लो गाड़ी चलानी है और हेलमेट नहीं पहन रहा है, और बैग मेरे पास दे दिया है। तो देखते हैं कैसी गाड़ी चलाता है। देखो भाई देख, क्लच अभी एकदम से छूट रहा है भाई का, पता चल रहा है बेली मारनी है, एक टायर में खड़ी कर दी गाड़ी। और यार एक ड्राइवर अगर चलाने वाले हो ना गाड़ी, तो फिर पीछे बैठने का सुकून ही अलग मिलता है। तो अभी मैं पीछे बैठा हूँ, तो पीछे बैठ के जो मज़ा आ रहा है ना यार, मतलब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पीछे बैठ के। एकदम ठंडी ठंडी हवा मिल रही है, और गाड़ी का बोझ नहीं है। तो गाड़ी अमित भाई चला रहा है, और आगे आप गर्ल्स देख सकते हो, यहाँ पे क्यूटी पाई आ रही है आगे से। तो अभी जो है 4-5 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद धीरज से रिएक्शन पूछते हैं। धीरज कैसी चलाई हमने गाड़ी? भाई रिएक्शन तो बहुत बुरा निकला है मेरा भाई, आप बता रहे थे मेरे पीछे से थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन ठीक है जल्दी सीख जाएंगे गढ़वाल जी गाड़ी। एक्चुअल में क्या है ना कि मैं तो भाई ये बोला कि मेरे को गाड़ी आती है, लेकिन अभी गियर डालने में प्रॉब्लम हो रही है भाई बहुत। एक्चुअल में क्या है कि मैं गाड़ी मुझे चलानी आती है, लेकिन गियर की थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब इतना समझ नहीं आता है कि कहाँ पे कौन सा गियर डालना है।
गियर अप डाउन करते टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो वही वाला सीखना है। और बाकी उसी के लिए मैंने धीरज को बोला है कि कुछ टाइम सिखा दे, मतलब ज्यादा नहीं, 5-6 दिन में हो जाएगा क्लियर। तो घूमते फिरते अभी हम आए हैं किलकिलेश्वर राजकीय इंटर कॉलेज, और ये जो है वो चौरास में है। तो धीरज ने बोला कि थोड़ा यहाँ पे घूमते हैं और उसके बाद जो है रूम की ओर चलते हैं, तो मैंने बोला ठीक है। और ये है आदर्श विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज किलकिलेश्वर टिहरी गढ़वाल, ये टिहरी गढ़वाल में आता है, वाह मुझे आज पता चला। और काफ़ी खूबसूरत विद्यालय है। अब जो है ऐसे स्कूलों में जाके अपने स्कूल के पुराने दिन जो है वो याद आ जाते हैं। अभी जो है धीरज और मैं जो है खड़े हो रखे हैं वो श्रीनगर के पावर हाउस पे खड़े हो रहे हैं, और पीछे इतनी ज़बरदस्त जो है बादल लग चुके हैं, भयंकर बारिश आने वाली है मुझे तो उम्मीद है। और यहाँ से जो है फोटो का नज़ारा अलग ही लग रहा है, और धीरज जो है बहुत खुश हो रहा है। दूसरा यहाँ पे हवा बहुत तगड़ी वाली चल रही है, और यहाँ नीचे जो है काम चल रहा है, अच्छी हवा है ना। और पीछे देखो धूल क्या खतरनाक उड़ रही है, और उसके साथ इतना भयंकर मौसम हो रखा है, ऐसा लग रहा है आज श्रीनगर बह ना जाए भाई। पीछे खतरनाक वाली जो बिजली कड़क रही है, और उसके अलावा देखो पीछे से ऐसा लग रहा है अभी बारिश आ जाएगी कुछ ही देर में। तो समय जो हो चुका है वो रात के 10 बज चुके हैं, और घूम फिर के अभी जो है रूम पे आ चुके हैं। तो अब जो है हम खाना बना रहे हैं रात के 10 बजे। तो आज जो है हमने खाने में कुछ सोचा है कि हम बनाएंगे मिक्स वेज, और उसके साथ बनाएंगे रोटी। तो मैं जो लाया था, क्या लाया था मैं भूल चुका हूँ, मैं लाया था कुछ शिमला मिर्च, और इसके साथ है हमारे पास कुछ आलू और कुछ है मटर। तो आज जो खाने में बनेगा वो बनेगा शिमला मिर्च, मटर और आलू, और आज का जो डिनर होगा वो यही होगा। तो खाना बन चुका है, खाने में आज जो है मिक्स वेज बनी है, और मिक्स वेज बनाई है पवन ने। तो पवन जी आज हम टेस्ट लेंगे कि आपने सब्जी कैसी बनाई है। और धीरज के साथ आज एक छोटी सी राइड पे गए थे, तो धीरज आज का दिन कैसा रहा आपका? दिन तो बुरा रहा भाई, गियर डालने नहीं आए ठीक से, गियर ऊपर नीचे हो गए पूरे सारे गियर ऊपर नीचे हो गए, और हिमांशु भी बैठा हुआ है। तो सब जो है खाना खाने के लिए आ चुके हैं, और सबसे पहले जो है खाना खाते हैं। सब्जी तो लग रही है स्वादिष्ट बनी हुई है। कमरे पे है बस 3, अभी आ रहे हैं बस 1, तो 2 दोगले कागे वही वाली बात है बस झगड़े। हाँ ये लोड़ा मैं तक कह रहा हूँ निधन। तो यहाँ पे जो है पवन जी का फोन खो चुका है, और एयरबड लगा दिए एक अरे। तो देखो ऐसा होता है, मुझे आजकल अकेले में नींद नहीं आ रही है, तो हम चारों आज यहीं सो रहे हैं भाई, मेरे को जगह दो, मैं भी एक शोन बया आ चलो। ना नहीं यार भाई, मैं भी इधर ही सो रहा हूँ यार, अब अरे मत करो यार, तो मैं यहाँ आराम से छुई बाती लगाओगे, मैं वहाँ अकेला अकेला क्या करूँगा। अरे नहीं लगाते तुम छुई। तो अभी जो है वो खाना भी कंप्लीट हो चुका है, और अब जो है बारी आती है सोने की और वीडियो एडिट करने की। तो सबसे पहला काम अब यही रहेगा कि फिलहाल सोते हैं, और सोते तो फिलहाल नहीं है, अभी बहुत सारे काम करने हैं, अपना ऑफिस खोलते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, और आपके लिए टाइम पे वीडियो को यूट्यूब पे डालते हैं। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा ना, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय दोस्तों।